हरियाणा के गुरुग्राम में जितेंद्र मित्तल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सोहना के विधायक कंवर संजय सिंह, जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन किया। विधायक संजय सिंह ने सभी को बीजेपी का पटका पहनाया। सोहना निगम में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर वोटों के लिए घर घर घूम रहे हैं। कोई अपने विकास के मुद्दे गिना रहा है तो कोई पानी बिजली के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है। विधायक कंवर संजय सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री खुद यहां सोहना में रैलियां कर चुके हैं। सोहना के विकास पर मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान है। शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार हमारी प्राथमिकता है। आज सोहना में सभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से काफी खुश है। सोहना का विकास पार्टी की प्राथमिकता है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। सोहना में बीजेपी की महिला कैंडिडेट का जीतना लगभग तय है। जिला भाजपा गुरुग्राम की ओर से आए भारतीय जनता पार्टी चाहे देश का नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे छोटा चुनाव हो, सबके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और मैं समझ रहा हूँ एक अलाइनमेंट जो पूरा का पूरा जो प्रदेश और या जो निगम के अंदर है, परिषद के अंदर है। लेकिन हमने जो भारतीय जनता पार्टी की नीति देखी, काम करने का तरीका देखा, वो छोड़ करके आज भाजपा में आए हैं। तो हमारे जिले की टीम, हमारे बहन अध्यक्षा जी, गार्गी जी, और हमारे हमारे पूर्व मंत्री भाई विपिन जी के नेतृत्व में हमारी सारी टीम सोना की अच्छा संकेत है। और ये सामने वाली पार्टी को समझना भी चाहिए कि उनकी स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की दस्तक घर घर में है, और पहले भी हर हर मोदी घर घर मोदी वाला एक विषय था, और वह चीज़ आज भी लोगों के मन में जिंदा है। इस बार भी निकाय की जो हमारे ये चुनाव चल रहे हैं, और हम मैंने सर आपको पहले भी बताया कि आम आदमी पार्टी ना रह के खास आदमी की पार्टी हो गई। उसमें बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, जहाँ पे आम कार्यकर्ता का कोई भी किसी भी प्रकार का मान सम्मान नहीं है। और हमारे विधायक संजय जी जो सोहना में, मतलब हम उनको पर्सनली पहले से भी जानते हैं, उनका एक अपने कार्यकर्ता के प्रति मान सम्मान करना और बीजेपी की नीतियाँ ये पसंद आने के कारण मैंने आम आदमी पार्टी को रिजाइन कर दिया।